बलदेवपुर नाम के गांव में परमेश नाम का एक धनवान रहता था। वो उस गांव का सरपंच था। वो बहुत भला आदमी था। वो बहुत मजाकिया आदमी था। जब देखो लोगों को चुटकुले सुनाकर उन्हें हंसाता रहता था। इतना ही नहीं, वो हर साल अपने जन्मदिन के अवसर पर लोगों में फसल का मुकाबला कराता था। उस दिन जो व्यक्ति सबसे बड़ा फल या सब्जी का प्रदर्शन करेगा उसी को विजेता घोषित किया जाता था। इस तरह एक साल बहुत बड़ा टमाटर जीता तो अगले साल आलू की जीत हुई। यूं हर साल कोई ना कोई जीतता रहता था। बलदेवपुर में पप्पू नाम का एक युवक था। वो बहुत भोला था। वो जरा दिमाग से भी कमजोर था। फसल उगाने में अपने पिताजी की मदद करने के अलावा वो कुछ और जानता नहीं था। एक दिन अचानक खेत में काम करते करते उसके पिताजी को एक सांप ने ढस लिया। जहर के असर से वो वहीं पर ढेर हो गया। तब पप्पू और उसकी माँ बहुत दुखी हुए। पप्पू खेत में फसल उगाने लगा। फिर उन्हें मार्केट में बेचकर पैसे कमाकर घर चलाने लगा। लेकिन मार्केट का व्यापारी उसे गलत हिसाब बताकर उससे पैसे ऐंठ लेता था। जब घर जाकर उसने माँ को पैसे दिए तो माँ ने हिसाब किया और समझ गई कि पप्पू के साथ धोखा हुआ है। माँ, बेटे, उस व्यापारी ने तुम्हें धोखा दिया है। इतना भोलापन काम नहीं आएगा बेटा। अगली बार होशियारी से काम लेना और जितने पैसे हमें मिलने चाहिए उससे वसूल कर लेना, समझे बेटा। एक बार उस गांव में एक स्वामी जी आए। वो लोगों को प्रवचन देने लगे। गांव वाले बैठकर बड़े ध्यान से सुनने लगे। पप्पू भी वहां बैठा तो था लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई और वो सिर खुजाने लगा। थोड़ी देर बाद वो वहीं सो गया। जब सब गांव वाले उठकर चले गए तो स्वामी जी ने देखा कि पप्पू वहीं सो रहा है। स्वामी जी ने उसे नींद से जगाया। पप्पू, स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से सो गया। आइंदा कभी मैं प्रवचन सुनते हुए सोऊंगा नहीं स्वामी जी। तब स्वामी जी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी क्या परेशानी है ये तो बताओ। तब पप्पू, स्वामी जी सब मुझे मूर्ख कहते हैं, आप कोई मंत्र पढ़कर मुझे जरा समझदार बना दीजिए स्वामी जी। तब स्वामी जी, बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो समझदार ना हो। हमें जो चीज अच्छा लगे हम उसे जल्दी से जान लेते हैं और जिस चीज पर हमें कोई रुचि ना हो हम उसकी परवाह नहीं करते। बेटा मेरा प्रवचन सुनने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं थी इसीलिए तुम सो गए। अब बताओ खेती बाड़ी करते समय कभी तुम सोए हो। कहते हुए उन्होंने एक छोटा सा शीशा निकाला और उससे कहने लगे, तुम समझदार हो, इसका विश्वास लोगों को नहीं खुद तुम्हें करना होगा। इस शीशे के अंदर जो पानी है इसे तुम जिस वस्तु पर छिड़कोगे वो वस्तु का आकार बड़ा हो जाएगा। इसे तुम समझदारी से इस्तेमाल करो और जिंदगी में तरक्की करो। अलख निरंजन, कहकर उसे आशीर्वाद तो वे चले गए। एक दिन एक आदमी ऑटो में बैठे ऐलान करते हुए जा रहा था। सना सना सना, इस साल परमेश जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सबसे बड़ा सब्जी उगा कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। सना सना सना, यूं घोषणा कर रहा था। ये ऐलान सुनकर पप्पू के दिमाग में एक आइडिया आया। सब गांव वाले बड़े बड़े सब्जी और फल उगाने में लगे हुए थे। एक बड़ा लौकी उगा रहा था और एक तुरई, यूं कई किस्म के सब्जी उगा रहे थे। पप्पू कद्दू उगाने लगा। उसने उसे खूब खाद डाला और पानी डालकर उगाने लगा। कुछ ही दिनों में वो कद्दू बहुत बड़ा हो गया। ये देखकर बाकी गांव वालों को उससे जलन होने लगी। मुकाबले से ठीक एक दिन पहले वो आए और उस कद्दू को उन्होंने इंजेक्शन डाला। बस वो कद्दू एकदम सूख कर छोटा हो गया। अगले दिन उस कद्दू को देखकर पप्पू बहुत दुखी हुआ। तभी उसे स्वामी जी की बातें याद आईं। उसने तुरंत उस शीशे में रखे पानी को उस कद्दू पर छिड़का। बस वो कद्दू एकदम बहुत बड़ा और एकदम ताजा हो गया। उस दिन मुकाबले में पप्पू के कद्दू की जीत हुई और पप्पू को 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिला। वो जब घर लौटा तो उसने देखा कि कद्दू के अंदर से पैसे, रुपए, हीरे, जवाहरात, सोना सब गिरने लगा। ये देखकर पप्पू बहुत खुश हुआ।